हे गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सारे अच्छे होंगे। सो गाइस, आज फाइनली वो दिन आ चुका है जिस दिन का आप सबको बेसब्री से इंतजार था। वैसे तो आधे लोग जो है थंबनेल देख के समझ भी गए होंगे कि भाई आज के ब्लॉग में क्या होने वाला है, और जो नहीं समझे भाई मैं उनको समझा देता हूँ। बेसिकली भाई आज होने वाला है हमारी वैभवी का फेस रिवील, और मैंने ना उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया है कि भाई अगर आपने आज किसी भी टाइप का प्रैंक या फिर झूठ बोला ना, मैं आपसे जिंदगी में कभी बात नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस, आज की वीडियो में फेस रिवील होना तो भाई एकदम कंफर्म हो चुका है। एंड भाई आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। आपका भाई आपसे ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा है क्योंकि भाई इतना क्लोज हो कि भाई फेस रिवील नहीं किया ना, तो वो मैं समझ सकता हूँ। एंड अब बात करूँ कि भाई वैभवी कहाँ पे है। सो गाइस, वैभवी को मैंने बुला लिया अपने शोरूम पे और वहीं पे उसका फेस रिवील होगा। अब बात करूँ भाई कौन सा शोरूम, तो गाइस शोरूम के बारे में जो है अभी आगे बताने वाला हूँ क्या सीन रहने वाला है। एंड गाइस, आई नो आप सभी मेरे से बहुत ज़्यादा नाराज हो रखे होंगे क्योंकि भाई मैं वीडियोज़ को बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ, डिले अपलोड कर रहा हूँ। सो गाइस, उस सब के लिए भाई आपका भाई आपको दिल से सॉरी बोलना चाहेगा, अपने भाई को माफ कर देना। अब बात करूँ भाई ऐसी क्या रीज़न है, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से भाई मैं ब्लॉग्स को बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रहा हूँ। तो गाइस, जो जो लोग मेरी वीडियोज़ को बहुत पहले से देख रहे हैं ना, उनको पता होगा कि भाई अभी रिसेंटली हमने एक महीने पहले भाई शॉप खोली थी शूज़ की। एंड भाई एक महीने के अंदर अभी हम खाली कर रहे हैं उसको, क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे स्पेस के बहुत इशूज़ आ रहे थे, वहाँ पे गर्मी बहुत थी, तो भाई इसलिए उसको हमने खाली कर दिया है। और भाई अब आप यकीन नहीं करोगे, हमने खोल लिया भाई बहुत ही तगड़ा बड़ा शोरूम शूज़ के लिए, अभी हमने वहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। और भाई आप समझते हो जब आप इतना बड़ा शोरूम खोलते हो ना, तो भाई उसका मैनेजमेंट, उसका हैंडलिंग वगैरह A to Z आसान चीज़ें नहीं होती हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। और करने वाला भाई तुम्हारा भाई इकलौता है यहाँ पे, कोई सपोर्ट नहीं है किसी का, ठीक है? तो भाई इसलिए आपके भाई को सब चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है। ब्लॉग चैनल हो गया, मेरे एक और चैनल है शूज़ का, वहाँ मैं अनबॉक्सिंग वगैरह करता हूँ, शॉप हो गई, फिर बहुत चीज़ें हैं जो मुझे हैंडल करनी पड़ती हैं। तो भाई सब पे एक साथ जो है मैं ध्यान इसलिए नहीं दे पा रहा था, बट भाई अब आपके भाई ने टीम सेटलमेंट कर दी है बहुत तगड़े तरीके से, अब जो है भाई ब्लॉग प्रॉपर एक तरीके से आएंगे, टाइम पे आएंगे। तो इसीलिए गाइस मेरे को ना शोरूम के डेकोरेशन में और स्टॉक मैनेजमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। भाई मैं गया हुआ था माल लेने के लिए, और भाई इस बार माल के अंदर ना ऐसे ऐसे आर्टिकल लेके आना, इतने खतरनाक आर्टिकल, वो भी इतने सस्ते में कि पूरे इंडिया में कोई मैच नहीं कर पाएगा। तो गाइस अभी ना आप यकीन नहीं करोगे, भाई यहाँ पे आ चुकी है धूप के अंदर बहुत तगड़ी बारिश, आप चेक करो एक बार, खुद चेक कर सकते हो, सामने बूंदे आ रही हैं और उतना तेज भाई धूप भी आ रखी है। तो भाई अभी यहाँ जो है यहाँ से फटाफट से निकलते हैं और शोरूम पे आपको डायरेक्ट मिलता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो सामने है हमारी ओल्ड शॉप, ये थी हमारी ओल्ड शॉप, सामने आपको लिख रहा हुआ है फुटंग लिखा हुआ है, तो ये थी हमारी ओल्ड शॉप। अभी जस्ट इसके सामने जो हमने न्यू शॉप डाली, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ एक बार, रुको आप चेक करना, यहाँ से आपको जूम करके दिखाता हूँ, मेन रोड पर डाल ली अपन ने अब सामने, अब आपको मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखो गाइस अब आपको दिख रहा होगा फुटंग यहाँ लिखा हुआ है, और ये है अपनी स्नीकर शॉप। तो अभी फटाफट से वहाँ चलते हैं एंड लेट चेक कि मैं क्या होने वाला। सो गाइस, अभी हम फाइनली आ चुके हैं अपने शोरूम पे। एज यू कैन सी भाई बाहर से क्या लुकिंग लग रही ना, दिल आ गया भाई देख के सब, एक बार चेक करो आप भी। अभी अंदर एंटर होते हैं एंड एज यू कैन सी द आर्टिकल्स, अ वेराइटी एंड द क्वालिटीज़। अभी जो इसका फर्नीचर है वो हमने खुद से डेकोरेशन किया था, और ये बार एक बार फ्लैग्स चेक करो, सामने हमने ग्रास का सेम रखा हुआ है, और ये हमारी फुटंग की LED लाइट। एंड भाई यहाँ बैठे हुए कृष्णा भाई, हाँ जी, जय श्री राम, कैसे हो? कैसे हो? बहुत बढ़िया बस। तो भाई आज हम ब्लॉग के अंदर रिवील करने वाले हमारा शोरूम, ठीक है, और इसमें हमारी कृष्णा भाई पूरी हेल्प करेंगे आर्टिकल की प्राइसिंग बताने में, ठीक है? तो भाई स्टार्ट हो जाओ, भाइयों के लिए इस बार क्या क्या लेके आए हो, स्टार्ट हो जाओ। क्या बात है, स्पोर्ट्स की वैरायटी लेके आए हो? ओके, एक बार वैरायटी चेक करता हूँ सभी को। सो गाइस, ये सारे आर्टिकल्स होने वाले हैं ओनली स्पोर्ट्स के अंदर, एज यू कैन सी प्रॉपर वैरायटी तगड़ी वाली हाई सोल के साथ में। क्वालिटी दिखाता हूँ अभी आपको एक बार, पास से चेक करो, प्रॉपर मेमोरी सोल के साथ में रहने वाला है, एकदम हाई क्वालिटी। जूम एक्स आर्टिकल है नाइकी का, आप खुद देखो अंदर पूरी मेमोरी सोल है, प्रेस होती है अच्छे से, कंफर्ट रहने वाला एक नंबर। सो गाइस अब बात करें भाई लो रेंज की, तो भाई कृष्णा भाई एक बार लो रेंज में क्या लेके आए, ये बताओ एक बार यार। 500 के अंदर। क्या बात कर रहे हो, स्पोर्ट्स शूज 500 में? अरे नहीं, ओहो हो हो, ये लो गाइस रीबॉक का आर्टिकल चेक करो, ओनली 500 रुपए के अंदर ऑल इंडिया डिलीवरी जो है हम कर देंगे। एक बार ये आर्टिकल चेक करो, ठीक है, एंड ग्लो वाले आर्टिकल दिखा दो कृष्णा भाई एक बार, ये देखो ग्लो, ओहो हो भाई। सो गाइस इस पे ये देखो ग्लो वाला आर्टिकल यहाँ पे आ चुका है, इस पे अगर आप लाइट मारोगे ना तो भाई इतना खतरनाक ग्लो करता है, अभी आपको दिख भी रहा होगा, ये देखो एक बार ये वाला चेक करो नाइकी का, मतलब भाई ऐसी ऐसी वैरायटी लेके आया ना दिल आ जाएगा एक ही बारी में। एक बारी न्यू बैलेंस का दिखा दो यार, ये एक नंबर प्यारा आर्टिकल है, ये दिखाओ, ओहो हो 500, ओहो क्या बात है भाई, डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा इसका, एक नंबर यार भाई। स्पोर्ट्स तो हो गए, स्नीकर्स में दिखाओ इस बारी कुछ, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सो भाई जो भी एयर जॉर्डन लवर्स हैं भाई, उनके लिए ऐसी ऐसी वैरायटी लेके आया ना इस बार, आप देखो एक बार, बस आप आर्टिकल देखो, आज तो इतनी वैरायटी है सामने, आप देख सकते हो प्रॉपर। भाई ये क्या रेंज रहने वाली है भाई? ये रहने वाली 750, 750 की रेंज रहने वाली है। ओहो हो, ओ माय गॉड, ये कौन सा आर्टिकल, रेट्रो फोर भाई, इंडिया में जो अभी ट्रेंड कर रहा है वही है ना ये? बिल्कुल, ओहो क्या बात है गाइस, क्वालिटी आप चेक कर सकते हो, एक्स्ट्रा लेसर के साथ में मिलने वाली है, प्रॉपर सोल है, मटेरियल एकदम हाई रहने वाला है यार। कृष्णा भाई एक बार इसका प्राइस बता दो यार। इसका प्राइस जो रहने वाला है वो 1200 से 1400 के बीच में रहने वाला है। क्या बात कर रहे हो, इतने सस्ते में? बॉक्स कैसा रहने वाला है? बॉक्स भी एकदम ओरिजिनल मिलेगा, ओरिजिनल ब्रांड बॉक्स देने वाले हो, क्या कर रहे हो यार कृष्णा भाई।
तो गाइस ये नाइकी का ब्रांड बॉक्स आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओ माय गॉड पर्पल कलर यार, ये सेक्सी लग रहा है यार, सेक्सी आर्टिकल लगा। नाइस। और भाई ये क्या लेके आए हो यार, अनोखा अतरंगी कलर टैक्सी, ए जॉर्डन टैक्सी। गाइस चेक करो एक बार, लुक चेक करो, प्रॉपर सोल वोल एकदम ओके, एक्स्ट्रा लेसेस के साथ में। तो गाइज अगर आप एक एयर जॉर्डन लवर हो तो हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो photang.in, वहाँ पे आपको ये सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे बहुत ही ज़्यादा लो प्राइस के अंदर। एंड एक बार यार आप हाई क्वालिटी चेक करो, मास्टर क्वालिटी, हाई क्वालिटी, हाँ जी मास्टर क्वालिटी, जो टॉप नॉच होती है ना एकदम सेम एज ओरिजिनल वाली, वो चेक करो। क्वालिटी चेक करो। अच्छा ये मास्टर कॉपी है, अरे यार बहुत प्यारा भाई, बहुत प्यारा सोल इनसोल सब सेम है यार इसमें, बहुत प्यारी क्वालिटी। अच्छा ये रेट्रो 4 का मास्टर वाला है, नाइस वन यार, नाइस वन। अच्छा प्रॉपर क्यू आर कोड स्कैनेबल होगा, ओके भाई यार ये तो भाई एथलीट्स के लिए ना मतलब जादू है। एडी जीरो क्या बात, नाइस वन। गाइस हमें लोकेशन की बात करूँ, जो हमारी ओल्ड वाली शॉप की लोकेशन थी जैसे उसके सामने हमारी न्यू शॉप होने वाली है, जैसा कि मैंने अभी आपको कैमरे में दिखाया भी था कि भाई वहाँ से जैसे आप थोड़ा रोड पे आओगे मेन रोड पे आपको जो है शॉप मिल जाएगी। एंड भाई अभी हम बोर्ड लगवाने वाले हैं तो आपको वैसी भी मिल जाएगी। तो गाइस लोकेशन भाई आप तुम ऐसे बोल के बताओ, सब समझ आएगा। लोकेशन रहने वाली नियर बाय शगुन गार्डन, तो फटाफट से विजिट करो आप photang.in। दंगबाड़ी शगुन गार्डन के जस्ट पास में आपको मिल जाएगी हमारी शॉप। व्हाट्सएप नंबर रहने वाले भाई, व्हाट्सएप नंबर बता दो। व्हाट्सएप रहने वाला है 6367080049। ओके तो अगर आपको ऑर्डर करना है व्हाट्सएप के थ्रू आप इजीली ऑर्डर कर सकते हो। तो गाइज फाइनली वैभवी मैडम यहाँ पे आ चुकी हैं, एज यू कैन सी प्रॉपर आउटफिट देख चेक कर सकते हो आप। क्या कितने अजीब लग रहे हो। हाँ जी तो कैसी हो आप, बहुत बढ़िया हो यार, आवाज़ कम आ रही, थोड़ा सा हेलमेट खोलो ना यार। थोड़ा बहुत तो हल्का सा तो दिखा दो, क्योंकि आज वैसे भी फेस रिवील तो होने वाला है ही, ठीक है तो हल्का सा दिखा दोगे तो भी पता चल रही है कि नहीं है। ओहो मैं नहीं कर रही, ये नहीं सुनना मुझे, ठीक है अब मेरी बात सुनो। ये बताओ ना टाइम कैसे लगा, ये बताओ पहले तो। हाँ क्या ट्रैफिक, ओ माय गॉड, वो मैं समझ सकता हूँ, वो धूप भी बहुत है। अच्छा वो मेकअप धुल गया होगा। हाँ जी तो गाइस जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था फाइनली वो पल आ चुका है जहाँ पर हमारी वैभवी का फेस रिवील होने वाला है। हाँ जी फटाफट से इसको ओपन कर दो और हमारे सब ऑडियंस को दिखा दो फेस। नहीं ये नहीं, क्या होता है, मैंने क्या बोला था, अगर आज आपने कोई प्रैंक या चैलेंज या झूठ बोला तो मैं आपसे बात नहीं करने वाला बिल्कुल भी, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या 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 भाई, मैंने हर ब्लॉग में नहीं बोला, वो मैंने बस लास्ट ब्लॉग के अंदर बोला था वो, ठीक है। और उसके बाद से मैंने एक महीना हो गया, अपन ने कहाँ ब्लॉग बनाया मैंने, क्यों, क्योंकि मैं गुस्सा था। हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है, अच्छा वो सब तो ठीक है। अब ये बताओ यहाँ नया शोरूम कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फटाफट से करो यार सबर नहीं हो रहा अब जल्दी, मेरे को एक्टिंग वैक्टिंग नहीं सुनना ना कुछ सुनना, ठीक है जल्दी 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 जल्दी, अरे टेंशन मत लो मेकअप नहीं धुला होगा, जल्दी करो, अरे शर्म वरम को छोड़ दो, ठीक है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो शर्म छोड़नी पड़ती है समझो। ओहो गाइज 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 फाइनली वैभवी ने हेलमेट उतार दिया है। हाँ जी इधर भी कर दूँ, मतलब कांच में शक्ल देख रहे हैं लोग, देख लो, अरे दिखाओ भी सही, क्या गाइज क्या मतलब, अभी हेलमेट उतार दिया है अभी बस पलटने की देरी है, पलट पलट पलट। तेरा ध्यान किधर है, मतलब गाना अच्छा था वाला, आधा दिख चुका। वाओ ब्यूटीफुल, फाइनली हमारी वैभवी, यार मुझे लगा नहीं था आप बच्चे दिखते हो। बच्ची तो नहीं लगती यार, अच्छा गंदी बेइज्जती मत करो, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बच्ची तो नहीं लगती, छोटी बच्ची लगती हम। सो गाइस मैंने सोचा नहीं था कि हेलमेट के पीछे इतना क्यूट सा चेहरा छुपा हुआ है। थोड़ी बहुत तारीफ भी कर दी, अब तो खुश हो भाई। ओ झूठी तारीफ करी थी मैंने, एक्सपीरियंस बताओ कैसा लग रहा है अभी, कैसा फील हो रहा है, शर्म आ रही है क्यों, मतलब इतना क्यूट हो के भी शर्म क्यों आ रही है, इसलिए तो शर्म आ रही है। अच्छा ज़्यादा क्यूट हो इसलिए शर्म आ रही है, अरे यार ये गलत फहमी कैसे दूर करूँ आपकी। अरे नाराज़ नहीं होने का यार, मैंने एक बात बोलूँ, मेरे को ना अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि आपने फेस रिवील कर दिया लिटरली, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कहीं हेलमेट पहन के कोई और लड़की आ गई हो। वॉइस तो मैं
हाँ वैसे वॉइस तो मैच हो रही है। हाँ ये बात आपने, हाँ ये पहली बार दिमाग की बात करी है। और बताइए, हाँ क्या मानता हूँ, मतलब क्या मानता हूँ ये बताओ। ऐसा तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्या ही मानता हूँ? तुम्हें नहीं पता, तुम्हें अंदाजा भी नहीं अभी तक नहीं। क्या यार, चलो तुम मुझे क्या मानती, तुम मेरे पहले बता दो, हटाओ। क्या दोनों में से एक बताओ, अलग अलग होते हैं। बेस्ट फ्रेंड मानती हो तो बस मैं बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ। हाँ, ये कौन सी बात। नहीं तो मैं मजाक नहीं, दिल रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मानता हूँ यार। तो फाइनली गाइस, ऑन योर डिमांड हमने यहाँ पे वैभवी का जो फेस है वो रिवील कर दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। एंड अब अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट ब्लॉग्स में भी वैभवी हमारे साथ हो, तो भाई आपको क्या करना है, इस वीडियो पे आपको करवाने भाई 1000 लाइक्स। बहुत ही सिंपल और छोटा सा टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, कैसे भी पूरा हो जाना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट ब्लॉग्स के अंदर वैभवी यहाँ पे आए, तो भाई फटाफट से लाइक्स जो है पूरा करवा देना। एंड भाई नेक्स्ट वीडियोज के अंदर हम क्या करने वाले हैं एक बार बता दो आप सभी को। भाई धूम मचने वाली है, धमाकेदार, बहुत मजा आने वाला है, क्रेजी वाला। तो मेक श्योर जिसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, फटाफट से कर लो। एंड भाई ऐसे अपने भाइयों को सपोर्ट करते रहो। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।